हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डाइजेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अंडर द फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। आइए देखते हैं डाइजेशन के बारे में। व्हाट इज द चैप्टर इज कॉल्ड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन व्हेन अ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाए तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को करने में कौन हेल्प करता है? दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या प्रोसेस है, या डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक क्या जो है प्रोसेस वो परफॉर्म करती है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो बेसिक प्रोसेसेस परफॉर्म करती है फॉर change of complex food material into the simple absorbable form. The first one is the mechanical and the second one is the biochemical. तो दो तरह के प्रोसेस होंगी, मैकेनिकल प्रोसेस से तोड़ना और बायोकेमिकल प्रोसेस से तोड़ना। दोनों प्रोसेस मिलकर ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर पाए। डाइजेशन मैंने आपको जब एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो वहां पे क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन में भी डाइजेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब जब सेल के अंदर हो, तो वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में कुछ में इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों मिले थे, कुछ में केवल इंट्रासेलुलर मिला था जब सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा था। देन उसके बाद जैसे जैसे इवोल्यूशन में आगे बढ़े तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन मिलने लगा। हमारे पास भी एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। हमारे जो भी डाइजेशन है वो सेल के बाहर एक पर्टिकुलर स्पेस में with the help of the digestive enzymes and digestive juices. So extracellular, out of the cell. Digestive system कैसे बना है? System में क्या-क्या चीजें हैं? So digestive system is made up of alimentary canal and associated gland. ठीक है? तो alimentary canal क्या है? Alimentary canal का मतलब है कि mouth to anus. Mouth to anus is called alimentary. The entry point and the exit point. Associated glands, that is associated with the alimentary canal and that help in the digestion of food. जो कि digestion of food को में help करते हैं, अपना process perform करते हैं, जिसके through वो digestive juices को या कुछ ना कुछ liquid ऐसी देते हैं, जिसके अंदर enzymes हैं, salts हैं, जो food के digestion में help. तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड आ जाएंगे? सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले। सलाइवरी ग्लैंड टाइलिन एंजाइम आपको पता है। लीवर भी एक तरह का ग्लैंड है जो कि अपना कुछ ना कुछ सिक्रीशन देता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियास वो भी अपना सिक्रीशन देता है। तो ये डिफरेंट एसोसिएटेड ग्लैंड है, दैट इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। तो कोई भी आपसे पूछे अगर कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स मिलकर ही डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? तो माउथ से लेके एनस तक की बात हम लोग करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है जिसपे क्वेश्चन आते हैं। तो माउथ पहला पार्ट, माउथ टू एनस है, माउथ इज द फर्स्ट पार्ट। एंड माउथ कंप्राइज ऑफ टीथ। माउथ में क्या क्या होंगे? टीथ होगा, बकल कैविटी होगी, वेस्टिब्यूल्स होंगे और टंग है। ये तीन चीजें माउथ के पास प्रेजेंट है। तो टीथ, हमारा जो टीथ है, टीथ इज द थीकोडेंट। तो मैंने इसके बारे में भी पहले बात की हुई है। थीकोडेंट, थीको क्या कहते हैं? बिकॉज द टीथ इज प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ जॉ। सॉकेट होती है और उस सॉकेट में टीथ प्रेजेंट होती है, तो ऐसे टीथ को हम लोग थीकोडेंट कहते हैं। डाइफायोडेंट, ह्यूमन में डाइफायोडेंट होता है। हमने जब आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में वहां बात की थी तो हमने डाइफायोडेंट और पॉलीफायोडेंट दोनों के बारे में बात की थी। तो पॉलीफायोडेंट जो है आपको सार्क में बताया था कि 20,000 टाइम्स निकलती है उसके पूरे लाइफ टाइम में। बट इन द केस ऑफ द ह्यूमन डाइफायोडेंट इट मींस ओनली टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ। केवल दो बार जीवन में दांत आते हैं। ठीक है, तो जो पहले आते हैं दैट इज अ टेम्पररी और जो बाद में आते हैं दैट इज परमानेंट। तो ये टीथ का अरेंजमेंट है। मैंने अगर आप ये अपर जॉ मान लें
और ये लोअर जा नीचे लोअर जा होगी, तो यहाँ पे इस तरह से चार क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो जो एक क्वाड्रेंट में होगा वही दूसरे में होगा, वही तीसरे में होगा, वही चौथे में होगा। तो हम लोग एक क्वाड्रेंट देखकर ही डेंटल फार्मूला देते हैं, ठीक है। तो जो डेंटल फार्मूला होता है वो एक क्वाड्रेंट का होता है कि भाई चलिए यहाँ बीच में आपने कट कर दिया, ये मैंने ऐसे कट किया है, इसका मतलब नीचे लोअर जा होगी। अभी अपर जा का एक पार्ट देखते हैं, तो अपर जा में यहाँ पे आपको सबसे आगे की तरफ क्या है, इंसाइजर है, सबसे आगे की तरफ इंसाइजर होते हैं, देन कैनाइंस जो थोड़ी पॉइंटेड होती है, ह्यूमन के केस में भी पॉइंटेड है, बट इन केस ऑफ द डॉग वहां पे आप देखोगे तो उनके दांत शार्प होते हैं बिल्कुल, दे आर स्पेशली कॉर्निवोर्स। ह्यूमंस में कैनाइंस उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती जितनी कि अदर एनिमल्स में, लाइक टाइगर लायन, इनमें जितनी पॉइंटेड कैनाइंस होती है टू कैच द प्रे और उनको चीरने फाड़ने के काम आता है, तो कैनाइंस। देन द थ्री टीथ दैट इज द प्रीमोलर एंड द लास्ट टू टीथ दैट इज द मोलर, प्रीमोलर और मोलर मोस्टली चीविंग के काम में आती है। तो आइए हम लोग देखते हैं ह्यूमन एडल्ट में, ह्यूमन एडल्ट में इंसाइजर दो, कैनाइन एक, प्रीमोलर दो और मोलर तीन, एक क्वाड्रेंट में, तो कितने हो गए, दो एक तीन चार, दो एक तीन तीन, दो पांच और तीन आठ, एक क्वाड्रेंट में आठ, तो चारों क्वाड्रेंट में मिला के कितने हो जाएंगे, 8 × 4 = 32। टीथ एट द एज ऑफ 20 years, 20 साल, यानी कि 20 साल की उम्र में कितने दांत होंगे आपके पास, तो जो मेरे एस्पिरेंट्स हैं वो लगभग इसी उम्र के होंगे, जो एक्चुअली नीट एस्पिरेंट हैं वो लगभग इस एज के होंगे 20-21 साल, और उनके पास 28 टीथ होंगे, अभी एक मोलर आपके चारों क्वाड्रेंट में एक एक मोलर आने बाकी होंगे, सॉरी प्री मोलर्स 2, 1, 2 एंड 2, ये आपके टीथ एट द एज ऑफ 20 years। थोड़ा थोड़ा प्री मोलर 2 है और मोलर 3 है, मोलर 3 है, दिस वन इज मोलर, प्री मोलर 2 यहाँ पे 2 है मोलर, तो अभी मोलर 1 आने बाकी है। टेम्पररी टीथ इट मींस बच्चों में जो शुरू में टीथ आती हैं, तो उसमें टेम्पररी में क्या है, 2 दो इंसाइजर आएंगी, कैनाइन आएगा, प्री मोलर नहीं होगा, मोलर होंगे, ठीक है, दो मोलर होंगे, तो दी आर द टेम्पररी टीथ। इट इज कॉल्ड हेटरोडॉन्ट इट मींस इंसाइजर है अलग तरह की दांत, कैनाइन अलग तरह की है, प्री मोलर अलग तरह की है, मोलर अलग, तो हेटरो हो गया। होमो का मतलब जब सारे दांत एक ही तरह के होते, तो जब सारे दांत एक ही तरह के होते तो उसको हम लोग कहते हैं होमोडॉन्ट। जब दांत अलग अलग तरह के हैं, प्री मोलर कैनाइन मोलर, हम जब इसका नाम दे रहे हैं तो इट मींस इसकी स्पेसिफिकेशन होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड हेटरोडॉन्ट। तो ह्यूमन के अंदर थीकोडेंट भी है क्योंकि ये सॉकेट में प्रेजेंट है, डाइफायोडेंट है क्योंकि ये दो बार निकलते हैं, हेटरोडेंट है क्योंकि मल्टीपल टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द माउथ। दूसरी चीज ये है कि कौन कौन से दांत हैं जो केवल जीवन में एक ही बार निकलते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब ये 0 है, ये यहां नहीं है, तो ये प्री मोलर जो आएगा वो केवल जीवन में एक ही बार आएगा, एक जो मोलर है वो भी जीवन में केवल एक ही बार आएगा, ये सब तो टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा दिमाग लगाकर ध्यान से देख लीजिएगा, 0 है मतलब नहीं आएगा, टेम्पररी टीथ नहीं है वो, आएगा तो परमानेंट आएगा, तो जीवन में प्री मोलर केवल एक ही बार आएगा और लास्ट मोलर भी केवल एक ही बार आएगा। आइए आगे हम लोग माउथ में देखते हैं कि आगे माउथ में क्या है। तो इंसाइजर इन द एडल्ट 8, इट्स फंक्शन इज कटिंग क्रॉपिंग एंड बाइटिंग। इंसाइजर का फंक्शन है कट करना, क्रॉप करना और बाइट करना, बाइटिंग मतलब काटना। तो लड़कियां बहुत तेज काटती, दांत को यूज करती हैं एज ए देयर अस्त्र, तो कभी किसी भी केस में वो दांत काट लेती। कैनाइंस
पियर्सिंग, कैनाइंस का क्या फंक्शन है, पियर्स करना, फंसाना, टीयरिंग, ऑफेंस एंड डिफेंस निकालना। खैर ह्यूमन में थोड़ी कम डेवलप्ड होती है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, अदरवाइज आपकी मुंह से बाहर झांकती हुई कैनाइन दिखती है, मुंह खोलते ही कैनाइन सीधे दिखती है। और आपने देखा होगा डॉग्स में, वो जब अपनी टेरिटरी छोड़कर कोई डॉग दूसरे की टेरिटरी में पहुंच जाता है तो केवल ऑफेंस और डिफेंस के लिए अपने दांत दिखाते हैं कि मेरे दांत बहुत शार्प है। आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अगर किसी की टेरिटरी में किसी पांच छह डॉग्स ने अगर किसी एक डॉग को घेर रखा है तो केवल अपने दांत दिखाता है फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। प्रीमोलर इज फॉर क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड चीविंग। प्रीमोलर का फंक्शन है क्रश करना, ग्राइंड करना, चीव करना। मोलर अगेन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। यहां पे इनेमल एक सब्सटेंस है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इनेमल सबसे ज्यादा हार्ड है बॉडी में, जो आपके ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इट इज ए सेलुलर, कोई सेल नहीं है, एवैस्कुलर, कोई वैस्कुलराइजेशन नहीं है, नॉन रीजनरेबल, दोबारा रीजनरेट नहीं होती है, यानी कि एक बार अगर आपका इनेमल घिस गया तो घिस गया, ठीक है। F element, F means fluorine, fluorine element hardens the enamel, जितना ज्यादा fluorine होगा वो enamel को hard करेगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे age होने लगती है आपका enamel deteriorate होता है, और aged person में दांत की problem आनी शुरू हो जाती है। दांत की problem vegetarian में भी बहुत ज्यादा है, जो लोग vegetarian हैं उनके भी enamel जल्दी घिस जाते हैं क्योंकि वो उसका यूज नहीं करते। तो वेजिटेरियन पर्सन को एटलीस्ट अपनी दांत को बचाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हो जाए, लेकिन वेजिटेरियन को अपने इनेमल को बचाने के लिए दाना खाना चाहिए, जैसे कि थोड़े कड़े फाइबर युक्त, जैसे चना हो गया, ठीक है, मटर हो गई। तो ये जब कच्चे चने को भून दीजिए और भून के जो दाना बनता है, इधर ईस्टर्न यूपी में या बहुत जगहों पे दाना वाला प्रश्न है, तो दाना खाना चाहिए। तो पहले लोग खाते थे गांव में 3 बजे के करीब गुड़ और दाना, लेकिन अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है, अब लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं और 3 बजे के करीब पिज्जा खाना पसंद करते हैं या मैगी खाना पसंद करते हैं। तो आप वेजिटेरियन है तो आपके दांत बहुत जल्दी जाने वाले हैं, तो वेजिटेरियन है अपने दांतों को बचा के रखिए और जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करें। नेक्स्ट, बकल कैविटी एंड वेस्टिब्यूल्स। फ्लोरीन के बारे में पूछा हुआ है बहुत बार क्वेश्चन कि फ्लोरीन एलिमेंट हार्डेंस द इनेमल। बकल कैविटी एंड वेस्टिब्यूल्स, तो वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन द लिप्स एंड द गम्स। गम्स क्या है? जहां पे आपकी टीथ लगी हुई है, तो टीथ और लिप्स के बीच में जो स्थान है, या चिक्स और टीथ के बीच में जो स्थान है, द स्पेस इन बिटवीन द लिप्स एंड टीथ और इन बिटवीन द चिक्स एंड टीथ इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स को हम लोग टोबैको पॉकेट भी कहते हैं। लोग टोबैको खाकर या छिपा लेते हैं, ये टोबैको लिया और टोबैको को धीरे से वेस्टिब्यूल में रख लिया और धीरे धीरे उसका मजा लेते। पैलेट, जो आपकी अपर साइड है, दैट इज कॉल्ड पैलेट। बकल कैविटी में तो पैलेट फॉर्म्स द रूफ, और आप महसूस करेंगे कि जो आपका आगे का पैलेट है, दैट इज द हार्ड एंड द पोस्टीरियर। इंटीरियर पैलेट इज हार्ड एंड द पोस्टीरियर पैलेट इज द सॉफ्ट। पोस्टीरियर पैलेट आपको सॉफ्ट दिखेगा, मुंह खोल के देखिए शीशे में। इंटीरियर इज हार्ड एंड पोस्टीरियर इज सॉफ्ट। थर्ड पार्ट इज द टंग। टंग का क्या फंक्शन है? टंग भोजन को इधर से उधर करने में, मैस्टिकेट करने में और टेस्ट देने में, खाने का टेस्ट देती है और साउंड प्रोडक्शन हेल्प करती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड लैरिंग से हो रहा है, लेकिन बिना टंग के जो है आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो बोलना चाहते हो नहीं बोल पाए।
ठीक है, तो ये सब फंक्शन है टंग के, तो आइए टंग के बारे में देखते हैं। इट इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी एंड बाय द फ्रेनुला। तो हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है, वो फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी में फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी होती है। तो ये फ्रेनुलम इंपॉर्टेंट है, फ्रेनुलम बक्कल कैविटी में फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। दूसरा, द अपर सरफेस ऑफ द टंग, जो सरफेस है टंग का, वो सरफेस हैव स्मॉल प्रोजेक्शंस, तो आप महसूस करते होंगे स्मॉल प्रोजेक्शंस, दैट इज कॉल्ड पैपिली, उसको हम लोग पैपिली वर्ड देते हैं, पैपिली नेम देते हैं। दीज पैपिली हैव, सम ऑफ द पैपिली हैव द टेस्ट बड्स, इसमें से कुछ पैपिलीज जो है टेस्ट बड फॉर्म करती हैं। तो सम ऑफ पैपिली बियर्स द टेस्ट बड। तो यहां पे आप, मैंने एक टंग का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें मैं टेस्ट के बारे में बताना चाह रहा हूं कि टेस्ट कहां पे कैसा मिलेगा। तो बिटर टेस्ट आपको बिल्कुल पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड में मिलता है, ठीक है। सबसे आगे आपको स्वीट टेस्ट, मीठा, मीठा टेस्ट सबसे आगे मिलेगा। जो सोर है, सोर इधर मिलता है और इधर मिलता है, एट द बोथ साइड में, साइड में आपको सोर टेस्ट मिलता है। द साल्टी टेस्ट मैंने यहां ब्लैक से डॉटेड किया है, साल्टी टेस्ट इज ऑल्सो कवर द स्वीट पोर्शन एज वेल एज फ्रॉम हियर। तो दिस इज साल्ट, स्वीट, सोर एंड बिटर, ये चार तरह के टेस्ट हैं जो आपको आपकी टंग महसूस कराती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया है, और हमने कुछ बेसिक चीजें देख ली हैं, माउथ देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा के बारे में, फेरिंग्स और इसोफेगस के बारे में डिस्कस करूंगा, और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देन स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में, इनके जूसेस के बारे में आगे बढ़ते जाएंगे, और उसके बाद हम लोग डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को। तो बने रहिए चैनल के साथ, अपने लाइक और कमेंट दीजिए, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू। इस पार्ट में हम सलाइवरी ग्लैंड दैट इज रिलेटेड विद द माउथ एंड द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, इसको डिस्कस करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड, इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इन मैमल्स फोर पेयर ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ। फर्स्ट, मैमल्स मैंने लिखा है, नॉट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या है वो हमको ज्यादा एम्फेसिस करना है। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स, द फर्स्ट ग्लैंड, लोकेशन बिलो द आई ऑर्बिट। ये जो आई ऑर्बिट है, इस आई ऑर्बिट के नीचे ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ओपनिंग इन द अपर जॉ नियर द सेकेंड मोलर। तो कल हम लोगों ने टीथ के बारे में देखा था, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। मोलर में तीन, फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंड मोलर के पास इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड की ओपनिंग होती है। इट इज एबसेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन में एबसेंट, मैमल्स में प्रेजेंट है बट ह्यूमंस में एब्सेंट। पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। चारों प्रेजेंट सलाइवरी ग्लैंड से में सबसे बड़ा जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड का, दैट इज अ पैरोटिड ग्लैंड। इट्स लोकेशन इज जस्ट बिलो द ऑडिटरी कैप्सूल। ऑडिटरी कैप्सूल, इट मींस इट इज फाउंड नियर द ईयर। ऑडिटरी का मतलब ही है सुनने से, तो सुनना वाले ऑर्गन कौन से है, ईयर। तो ऑडिटरी कैप्सूल यहां ईयर के अंदर पाया जाता है, तो जस्ट बिलो द ऑडिटरी कैप्सूल इसका लोकेशन होता है। ओपनिंग वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जॉ, तो कल हमने वेस्टिब्यूल के बारे में बात कर लिया था, द अपर जॉ वेस्टिब्यूल फ्रॉम अपर लिप्स, अपर लिप्स और टीथ या गम्स के बीच की जो जगह है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स ऑफ द अपर जॉ। Sometimes this gland is affected by virus and उस समय इसको mumps कहते हैं, या गांव में गलफूल डिजीज कहते हैं, गाल फूल जाते हैं,
ऐसे आप देखोगे कि पूरा पैरोटिड ग्लैंड की वजह से ये फूल जाता है। तो मम्स यानी कि पैरोटिड ग्लैंड का इंफेक्शन है, वायरल इंफेक्शन है। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, नाम से ही दिख रहा है, मैक्सिला मैंडिबल, लोकेशन एट द जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। अपर और लोअर जॉ का जो जंक्शन है, ये माउथ है, तो यहां पे जो जंक्शन है, इस जंक्शन के पास सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड मिलते हैं। ओपनिंग इन द लोअर जॉ, लोअर जॉ में कहां, जस्ट बिहाइंड द इंसाइजर टीथ, इंसाइजर टीथ के पीछे। तो ये लोअर जॉ में खुलता है, ये अपर जॉ में है, ये अपर जॉ में है, सब लिंगुअल ग्लैंड, लोकेशन अपर जॉ, इसकी लोकेशन अपर जॉ। लोअर जॉ में आपके केवल आपका लोअर जॉ में लोकेशन आप देखिए, ये ऊपर है बिलो आई ऑर्बिट, ऑडिटरी कैप्सूल के पास है, लोकेशन अपर एंड लोअर जॉ के बीच में, लोकेशन करीब करीब सबकी, किसी की लोअर जॉ में नहीं है। लेकिन ओपनिंग आप देखोगे तो ओपनिंग भी नियर अबाउट मैक्सिमम की अपर जॉ में ही है, केवल ओपनिंग सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर की लोअर जॉ के इंसाइजर के पीछे, अदरवाइज सब वहीं पे अपर जॉ में के आसपास ही पाए जाते हैं और अपर जॉ में ही खुलते हैं। तो लोकेशन इज अपर जॉ। मेनी डक्ट्स सबलिंगुअल ग्लैंड से, इट इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, मेनी डक्ट्स अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंड, दैट ग्लैंड्स इज कॉल्ड ग्लैंड डक्ट्स ऑफ रिविनस एंड बर्थोलिन ग्लैंड या बर्थोलिन ग्लैंड। तो डक्ट्स अराइजेस फ्रॉम दिस ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ रिविनस और बर्थोलिन ग्लैंड। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, पीएच 6.8, स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल। तो आपको पता है कि अप टू पीएच 7 हम लोग कहते हैं कि 7 इज द न्यूट्रल पीएच, 7 से नीचे एसिडिक है, 7 के ऊपर बेसिक है। तो 6.8 सलाइवा का पीएच है, उसको आप स्लाइटली एसिडिक भी कह सकते हो या समटाइम्स इट इज न्यूट्रल। अमाउंट द सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा 1 to 2 liters per day, 1 to 2 liters per day saliva का secretion होता है। Mucus क्या क्या होते हैं composition में, Mucus है, tylin है, tylin is the enzyme that क्या करता है, वो starch का digestion करता है, starch को उसके disaccharide unit में तोड़ देता है। Lysozyme पता है आपको, lysozyme क्या है, lysozyme is the enzyme that breaks the peptidoglycan। थायोसाइनेट, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, आईजीए एंटीबॉडी, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सब आपको सलाइवा में मिलेंगे। सलाइवेशन, सलाइवेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द क्रैनियल नर्व्स। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि 12 क्रैनियल नर्व्स होती हैं। सॉरी थोड़ी कोल्ड, राइनोवायरस से पीड़ित हूं, इसके पहले मैंने क्लास दी थी तो थोड़ा वॉइस में दिक्कत है। क्रैनियल नर्व्स कौन कौन सी, 7th और 9th, ये 7th और 9th क्रैनियल नर्व ही स्टिमुलेट करती है सलाइवेशन को। तो सलाइवेशन कब होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है ये सब चीजें। अगर हम आपको मिठाई का पैकेट दिखाएं तो अगर आपको मिठाई पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो सलाइवेशन होना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज बाय द स्टिमुलेशन ऑफ क्रैनियल नर्व्स 7 एंड 9। कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन सलाइवा के सिक्रीशन पे कंट्रोल कौन करता है, ये नहीं कि सिक्रीशन एक बार स्टार्ट हो गया तो लगातार स्टार्ट ही रहे। कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन पैरासिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक सलाइवेशन को इंक्रीज करता है। तो जब आपको मिठाई दिखाई जाएगी तो एक अमाउंट तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद सलाइवेशन को जब डिक्रीज करना है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक इंक्रीज द सलाइवेशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज द सलाइवेशन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में विश्वास नहीं करता कि एक्स्ट्रा थ्योरीज आपको दी जाए, ये वो चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी या पूछी जा सकती है, और एक्स्ट्रा लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से,
मैं आपको 360 का टारगेट लेके चल रहा हूं बायोलॉजी के केस में, तो मेरा टारगेट 360 के लिए है, लेकिन हमको 320 के ऊपर चाहिए पास सिंपैथेटिक सलाइवेशन को डिक्रीज करता है। स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो सलाइवा कंटेन टाइलिन एंड डायस्टिन्स दैट ब्रेक्स स्टार्च इनटू माल्टोज आइसोमाल्टोज एंड डेमिटेक्सटिन। माल्टोज, माल्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड, मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में आपको डिस्कस किया है माल्टोज के बारे में और सुक्रोज के बारे में। तो माल्टोज इज अ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज की यूनिट है माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। सलाइवा में टाइलिन और डायस्टिन्स हैं जो माल्टोज आइसोमाल्टोज और डेमिटेक्सटिन में इसको ब्रेक करती है। फूड एंड सलाइवा दोनों जब मुंह में माउथ में मिक्सअप होते हैं दैट फॉर्म्स द बोलस, वो बोलस फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलस कहते हैं। माउथ से बोलस ईसोफेगस की तरफ मूव करता है, टाइलिन के साथ मिक्स होके, सलाइवा के साथ मिक्स होके हमारे फूड का बोलस फॉर्म बन गया था। दिस वन इज अ नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर हियर एंड दिस वन इज द ओरल कैविटी, माउथ से ओरिजिनेट होने वाली। यहां नीचे आपकी नीचे ओरल कैविटी के नीचे यहां पे जो है टंग होगा, इन बिटवीन ये अपर जो ओरल कैविटी के अपर जो बोन है दैट इज द पैलेटाइन बोन, तो ये आके यहां पे फैरिंग्स में खुल रहे हैं। नेजल चैम्बर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड नेजोफैरिंग्स, लार्ज चैम्बर इज कॉल्ड नेजोफैरिंग्स। हियर नियर द ओरल कैविटी ओरोफैरिंग्स एंड हियर दैट इज द लैरिंजोफैरिंग्स, तो लैरिंग्स जहां पे पाया जाता है, तो लैरिंग्स यहां पे ग्लॉटिस के नीचे पाया जाता है, तो लैरिंजोफैरिंग्स इसलिए इसका नाम दिया गया है। नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंजोफैरिंग्स तीनों मिलकर फैरिंग्स कहलाती है। तो दिस इज द शॉर्ट पैसेज, शॉर्ट पैसेज है नेजोफैरिंग्स ओरोफैरिंग्स और लैरिंजोफैरिंग्स, ये तीनों मिलकर फैरिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन फ्रॉम द स्टमक, देन फ्रॉम द फैरिंग्स टू द स्टमक अ पाइप इज देयर दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। ईसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है फैरिंग्स, देन ईसोफेगस। ये आपकी ईसोफेगल कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है। इधर आपको विंड पाइप है, यहां पे आपको विंड पाइप दिख रही है दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया, वो भी साइमल्टेनियसली चलती है। यहां पर क्या है? नेजोफैरिंग्स ओरोफैरिंग्स, तो खाना भी आप ले रहे हो और एयर भी ले रहे हो, तो इन दोनों के लिए सेम ओपनिंग, यहां पे तो फैरिंग्स तक तो दोनों आएंगे। व्हेन यू सोलो द फूड द एपिग्लॉटिस पोजीशन इज लाइक दैट, कि ये विंड पाइप को ढक लेती है, ठीक है। तो इस जो ट्राइकिया को एपिग्लॉटिस ने या ग्लॉटिस है इसके ऊपर इसके ढकने वाले कार्टिलेजिनस होता है दैट इज कॉल्ड फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। तो अभी क्या है, ये सोलोइंग पोजीशन है, जब आप सोलो नहीं कर रहे होगे आपको एयर चाहिए तो ये ऊपर होके यहां पे इस पोजीशन पे चला जाएगा, तो ये ओपन हो जाएगा और एयर ब्रीदिंग होगी। तो जब खाना हम खाते हैं निगलते हैं उस पर्टिकुलर निगलने के टाइम पे एपिग्लॉटिस विंड पाइप को बंद कर देती है, ट्रैकिया को बंद कर देती है। तो ये ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस सब कार्टिलेज के बने होते हैं, ये कार्टिलेजनस रिंग आपको दिख रही है ट्रैकिया में, कार्टिलेजनस रिंग इज देयर। एपिग्लॉटिस आपके समझ में आ गया। ईसोफेगस, ईसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट इज अ मस्कुलर पाइप, मसल की बनी हुई पाइप है। तो हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सलाइवरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट ओरल चैम्बर में, वो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, फूड के साथ अपना सलाइवरी सिक्रीशन देती है और फूड बोलस फॉर्म करता है, तो कुछ डाइजेशन वहां स्टार्ट होता है। यहां ईसोफेगस में ऐसी कोई भी ग्लैंड नहीं मिलती है, मस्कुलर पाइप है, इसका एक ही मूवमेंट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से फूड जो है आगे मूव करता है, पेरिस्टाइलिस मूवमेंट देता है ईसोफेगस। नो गैस्ट्रिक ग्लैंड, कोई भी गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां पर नहीं मिलती है।
ओके, हियर दिस इज द स्टमक, इट इज अ जेसेट डिस्टेंसिबल बैग। डिस्टेंसिबल बैग मतलब अगर आप इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं चाहे तो घटा सकते हैं। तो कुछ पर्सन ज्यादा खाना लगते हैं तो उनका जो है बैग बड़ा हो जाता है, कुछ लोग कम खाना शुरू कर देते हैं तो उनका बैग छोटा हो जाता है। तो ये डिस्टेंसिबल है, ज्यादा खाने वाले का जो है स्टमक बड़ा होगा, कम खाने वाले का स्टमक छोटा होगा। तो स्टमक के कुछ पार्ट हैं, स्टमक का ये पार्ट जहां पर इसोफेगस जो है आके ओपन होता है स्टमक में, तो दिस स्टमक की दिस पार्ट को हम लोग कार्डियोकेट कहते हैं। स्टमक का वो पार्ट जो यहाँ पे छोटी इंटेस्टाइन के में ओपन हो रही है, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक एंड। इस एंड को पाइलोरिक एंड कहते हैं। यहाँ ऊपर जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड फंडस एंड। फंडस एंड में मोस्टली जो है गैसेस भरी होती हैं, तो फंडस एंड में गैसेस होंगी। यहाँ दो स्फिंक्टर लगे होते हैं, एक स्फिंक्टर यहाँ लगा होता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेगियल स्फिंक्टर, दैट रेगुलेट द फूड मूवमेंट टुवर्ड्स द अपसाइड। ये क्या करता है कि फूड के मूवमेंट को रेगुलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, दिस वन इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये भी रेगुलेट करता है कि कब भोजन जाना है कब नहीं जाना है। ओके, वोमिटिंग आपने सुना होगा, वोमिटिंग की क्या क्या प्रोसेस है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब यहाँ पे खाना आप बहुत ज्यादा खा लो, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओवर ईटिंग के केस में क्या होता है कि वोमिटिंग आती है। ओवर ईटिंग के केस में ये स्फिंक्टर खुल जाता है और अपवर्ड मूवमेंट होता है। तो एक तो वोमिटिंग का एक ये है प्रक्रिया कि अगर आपने ओवर ईटिंग कर लिया तो भी वोमिटिंग होने की संभावना है, खाना बार बार ऊपर आता है। दूसरी, अगर कोई भी इंफेक्टेड फूड आपने ले लिया है, जो इन्फेक्ट किया गया है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या टॉक्सिसिटी है फूड में, तो फूड जब टॉक्सिक होगा तो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो उसको सिग्नल देगा कि नहीं आप वोमिट कर दीजिए, वोमिट करो। तो ऐसे केसेस में भी जब आपकी पॉइजनिंग होती है, जब आपका फूड जो है इन्फेक्टेड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फूड पॉइजनिंग का केस होता है, तो भी आपकी वोमिटिंग चालू हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्टेड फूड खाने से, ओवर ईटिंग करने से। और तीसरा केस वोमिटिंग का है, दैट इज क्यों, अगर आप कुछ नहीं खाएंगे, जब आप कुछ नहीं खाएंगे तो यहाँ पे HCL सिक्रीट होता है, जो फंडिक रीजन है, जो फंडिक ग्लैंड्स होती हैं, वो फंडिक ग्लैंड्स जो है ऑक्सिमेटिक सेल्स या चीफ सेल्स HCL का सिक्रीशन कॉन्टिन्यूसली करती रहती है। तो HCL का सिक्रीशन होगा, अब उसको फूड मिलाने की जिसके साथ वो मिक्सअप हो गए, तो क्या होगा कि यहाँ HCL का सिक्रीशन जब ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा एसिडिटी होने के कारण ये भी है कि कोरोड कर सकती है सेल्स को। तो उस केस में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है कि वोमिट हो जाए, तो HCL बाहर निकलता है। तो ये तीन केसेस हैं वोमिटिंग के, जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो, जब आपका पेट आवश्यकता से अधिक भरा हो, और जब आपका स्टमक इन्फेक्टेड फूड से भरा हो, या इन्फेक्टेड फूड कहीं ना कहीं से आ गया हो, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो। तो ये तीनों केस हैं जहां पे वोमिटिंग का केस आता है। ये जो मैंने नीले कलर के अंदर लाल लाल कलर बनाया है, लाइनिंग है, दैट इज अ लाइनिंग ऑफ अ होल एलिमेंट्री कैनाल। सारी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग जो है, जो भी हॉलो स्पेस है, देयर इज अ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, हर जगह स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो एपिथेलियल लाइनिंग है, यहां पर म्यूकस पूरा भरा होता है ताकि फूड इजिली मूव कर सके। तो इसमें कौन कौन सी लेयर है वो हम लोग जब इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, तो इंटेस्टाइन में हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लेयरिंग के बारे में बात करेंगे कि कौन सा म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सिरोसा, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं जो गैस्ट्रिक जूस या स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। तो कार्डियक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड, ये दो तरह की ग्लैंड है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस का सिक्रीशन चाहिए, ठीक है, तो HCL भी सिक्रीट होता है, म्यूकस के बाहर आता है, भोजन में से मिक्सअप होता है, बहुत सारी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, उसके क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे।
तो कार्डियक ग्लैंड एंड पायलोरी ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस. हंटिंग ग्लैंड, दिस इज द मेन ग्लैंड. मेन ग्लैंड खैर ऐसा नहीं है कि इसकी फंक्शन को हम रोक के इसकी फंक्शन को करा सकते हैं या इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं. सबका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. फंटिंग ग्लैंड्स हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अलग अलग सिक्रेशन देती है. ऑक्सेंटिक सेल सिक्रेट एक्सियल, जी सेल सिक्रेट हिस्टामिन. हिस्टामिन इट मींस हिस्टामिन भी क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है. एक्सियल आल्सो मेंटेन्स द एसिडिक पीएच ऑफ द स्टमक. आर्जेंटिफाइड सेल दैट इज द दैट सिक्रेट सीरेटोनिन. सीरेटोनिन इज अ हार्मोन. आर्जेंटिफाइड सेल्स एक्चुअली में इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन है, तो इंडोक्राइन हार्मोन का सिक्रेशन करती है सीरेटोनिन. दैट सेल्स सेंड्स सिग्नल्स टू द ब्रेन कि जब आपका पेट बहुत भर जाता है, जब पेट भर जाता है तो ये सिग्नल देती है कि भाई अब हो गया बस करो. तो आप कहते नहीं अब नहीं खाऊंगा पेट भर गया, तो वो नर्वस सिस्टम या वो सिग्नल कौन भेजता है, हार्मोन सीरेटोनिन. तो सीरेटोनिन सेंड सिग्नल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि नहीं पेट भर गया है अब इससे ज्यादा नहीं खाना. जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन सेल्स जो है इनएक्टिव एंजाइम्स. जाइमोजन का मतलब ही होता है इनएक्टिव एंजाइम का सिक्रेशन का. तो जाइमोजन सेल्स इनएक्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है. तो इनएक्टिव एंजाइम्स कौन कौन सी, लाइक पेप्सिनोजिन. पेप्सिनोजन इज अ इनएक्टिव एंजाइम, वो एचसीएल के प्रेजेंस में ही पेप्सिन में चेंज होता है. तो आइए देखते हैं नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूस के बारे में, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक ग्लैंड से होने वाले सिक्रीशन को ही गैस्ट्रिक जूस कहते हैं. अमाउंट लगभग 2 से 3 लीटर पर डे. हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल सिक्रेटेड बाय द ऑक्सेंटिक आर चीफ सेल्स. पीएच 1, 2, 3.5. ये पीएच क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल इन द स्टमक. कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन बाय द गैस्ट्रिक हार्मोन. गैस्ट्रिक हार्मोन ही इस पूरे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन पे कंट्रोल रखता है. कंपोजिशन, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है. वाटर, मैक्सिमम कंपोजिशन वाटर का है, दैट इज 99%. म्यूकस है सिक्रेटेड बाय द pyloric gland and cardiac gland. Inorganic salt, some intrinsic factors, HCl and some enzymes like proreanin, pepsinogen and gastric lipase. This lipase named gastric lipase. तो जब gastric lipase नाम दिया जाएगा तो इसका मतलब है stomach का lipase है. तो lipase मैंने लिखा है, आप उस पर gastric lipase लिख लीजिए. Now function of the gastric juice. Inactivate the action of tiny. अब देखिए bolus यहां से चल रहा था. Bolus बस यहां से लेके यहां तक तो passage follow करेगा peristaltic movement के through, pharynx से होता हुआ, esophagus से होता हुआ वो पहुंचेगा stomach. अब stomach में पहुंचेगा तो इस bolus का जो bolus के साथ tylin मिला हुआ है उस tylin को inactivate हो जाएगा, क्योंकि वो 6.8 pH है और ये 1 to 3.5 pH है. पहला काम तो इनएक्टिवेट द एक्शन ऑफ टाइलिन, टाइलिन के एक्शन को इनएक्टिवेट करना. एचसीएल, एचसीएल का फंक्शन क्या है. एचसीएल किल्स द पैथोजन. एचसीएल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भोजन के साथ आए हुए हैं उनको किल करना. ठीक है, तो अगर एसिडिक हाईली एसिडिक में रहने वाले होंगे तो नहीं किल हो पाएंगे, लेकिन जितने भी बेसिक एल्कलाइन मीडियम में ग्रो करने वाले होंगे वो किल हो जाएंगे. मिक्स मीडियम एसिडिक फॉर एक्टिवेशन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम. ये क्या करेगा, एचसीएल मीडियम जो स्टमक के अंदर मीडियम है उस मीडियम को एसिडिक करेगा ताकि वहां पे प्रेजेंट एंजाइम एक्टिवेट हो सके. ठीक है, जैसे पेप्सिनोजन व्हिच इज इनएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल इट गोस टू चेंज इनटू द पेप्सिन. मैंने स्टार लगाया, इट मींस नाउ इट इज एक्टिव, इट मे परफॉर्म देयर फंक्शन. Pepsin, proreanin, proreanin is also an inactive enzyme.
in the presence of HCl, it may change into the renin, that is active enzyme. Protein plus peptone is activated pepsin ki wajah se polypeptide ya oligopeptide mein toot jate hain. Kahan pe? Stomach. Casein is a protein that is found in the milk. So it is a milk protein. Milk protein kaise tootega? Renin se tootega. Aur renin se ye paracasinate banata hai. And it is like a curd. So turant curd mein change ho jata hai. Renin ka jo percentage hai wo bachchon mein zyada hota hai in comparison to old ones. So iska matlab hai ki renin ka formation in the stomach धीरे धीरे डिटोरिएट होता है इन द ओल्डर वन. बच्चे ज्यादा कैपेबल हैं दूध का डाइजेशन करने में इन कंपैरिजन टू ओल्ड वंस. तो आप जब देखिए कभी छोटा बच्चा हो और उसने ज्यादा ओवर फीडिंग कर लिया हो तो ओमिट करता है, तुरंत का दूध भी आपको कर्ड की तरह दिखता है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द रेनिन इट मे चेंज इनटू द पैराकैसिनेट. लिपिड, जो भी लिपिड मॉलिक्यूल होगा दैट मे बी चेंज बाय द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज. इट मे बी चेंज इन टू द ट्राई एंड मोनोग्लिसराइड बट इट इज वेरी निग्लेजिबल इन द ह्यूमन. ह्यूमन में बहुत निग्लेजिबल है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है या निग्लेजिबल है बिल्कुल, बहुत बिल्कुल नहीं. जो इंटेस्टाइनल लाइपेज है वो काम करता है लाइपेज. दिस वन इज द स्टमक, अ जे शेप्ड स्टमक. जे शेप्ड स्टमक है. Here is the sphincter that is called pyloric sphincter, जिससे कि हमारा इंटेस्टाइन जुड़ा हुआ है. इंटेस्टाइन यानी कि this one is the part of a small intestine, then the large intestine, and then again the large intestine open into the rectum through anus, जो है आपका जाए तो माउथ से एनस तक टोटल एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है. तो यहाँ पे देखिए स्टमक है, इस स्टमक से यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो कि रेगुलेट करता है भोजन को यहां पे जाने के लिए, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड डियोडिनम. एक्चुअली द इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन द यू शेप्ड डियोडिनम, द मिडिल पार्ट इज जेजुनम एंड हाईली क्वाइल्ड द पार्ट जो कि सबसे बड़ा भी है अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर्स, इलियम. तो ये डियोडिनम पार्ट है, दिस इज द डियोडिनम पार्ट. और इस डियोडिनम पार्ट में देखिए यहां पे एक ओपनिंग है जिससे एक पाइप के थ्रू जो है कुछ मटेरियल आ रहा है. तो व्हाट इज दिस? एक्चुअली इट इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ वेटर जिसमें कि पैनक्रियाटिक डक्ट से, ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक फ्लूइड या पैनक्रियाटिक जूस आता है. इधर से इस पोर्शन से ये जो लेके आती है, ये एक तो सिस्टिक डक्ट है. सिस्टिक डक्ट कौन सी? दिस वन इज सिस्टिक डक्ट, जीबी इज कॉल्ड गॉलब्लैडर, और इसी से सटा हुआ ये लीवर पोर्शन है. तो लीवर से हिपैटिक डक्ट आएगी. लीवर के सेल्स को हम लोग हिपैटिक सेल्स कहते हैं, और लीवर में जो डक्ट आती है, जो लीवर के सिक्रीशन को लेके आती है, लीवर जो सिक्रीट करता है उसको लेके आती है. तो क्या सिक्रीट करता है? बाइल साल्ट्स, बाइल जूस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. तो लीवर से लेके आने वाले डक्ट को हम हिपैटिक डक्ट कहते हैं, और गॉल ब्लैडर से ले जाने वाले डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं. ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं और एक नली से लेके आते हैं. ठीक है, ये आई और ये पैनक्रियाटिक डक्ट में मिल गई. जब ये दोनों डक्ट मिल गए देन इट इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ वेटर, एंड एम्पुला ऑफ वेटर ओपन्स इट into the duodenum portion. तो जहां पे ये duodenum में open होता है वहां पर भी एक sphincter लगा होता है that regulates the juices comes from the pancreas, liver and gallbladder. उसमें भी sphincter लगा हुआ है. तो this sphincter is called sphincter of Oddi. तो आपने बहुत सारे sphincter देख लिए. एक sphincter आपने देखा था कि जो इसोफेगस से स्टमक में यहाँ पे स्फिंक्टर लगा हुआ था, दैट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर. हियर इज द पाइलोरिक स्फिंक्टर. हियर इज द अनदर स्फिंक्टर दैट इज कॉल्ड एम्पुला ऑफ, सॉरी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जिसमें कि एम्पुला ऑफ वेटर ओपन होता है. तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया होगा. ये कॉमन बाइल डक्ट इसको कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट
कैसे बनता है? कॉमन बाइल ट्रैक्ट इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सिस्टिक डक्ट एज वेल एज ओपनिंग ऑफ द हिपैटिक डक्ट. दिस वन इज कॉमन बाइल डक्ट. वेन कॉमन बाइल डक्ट इज अगेन मिक्स विद द पैंक्रियाटिक डक्ट, देन इट फॉर्म्स द एम्पुला ऑफ वाटर दैट ओपन्स इनटू द डुओडिनम. एंड डुओडिनम में इसको रेगुलेट करने के लिए स्फिंक्टर ऑफ ओडी लगी होती है जो करती है. दिस इज द डुओडिनम पार्ट. Duodenum part, that is the sac part of the small intestine. Duodenum, jejunum and ileum. ये तीन part है small intestine के. कैमरे में कुछ दिक्कत की वजह से मैं यहाँ पे इस मोड में आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए, हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लिया था, यूसेप्ट, ड्यूडिनम, मिडिल पार्ट जेजुनम, हेलिकोइड, इलियम. द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट इज डिवाइडेड इनटू सीकम, कोलन एंड रेक्टम. सीकम इज स्मॉल ब्लाइंड सैक. इट इज होस्ट सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ पे ये एक प्लेस प्रोवाइड करता है सीकम, जिसमें कि सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी सिम्बियोसिस के थ्रू, मतलब कि बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, उनको शेल्टर मिल जाता है और वो हमें विटामिन बी का सिंथेसिस करते हैं और अदर प्रोसेसेस में भी हेल्प करते हैं. सीकम से ही अपेंडिक्स अराइज होती है, अराइजेस अपेंडिक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो थर्ड ऑप्शन आपका. देन कोलन, कोलन तीन पार्ट में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन. रेक्टम, रेक्टम में एनस है, जो यहाँ पे स्फिंक्टर है वो इम्पोर्टेंट है. मैंने पहले भी आपको कार्डियक स्फिंक्टर, पैलोरिक स्फिंक्टर और स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के बारे में डिस्कस किया था. यहाँ एनस में दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं, एक है इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर. जो इंटरनल स्फिंक्टर है, दैट इज हियर, इट इज अ इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री होता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री है. ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन आपका स्मॉल एंड लार्ज में डिवाइडेड है, स्मॉल में तीन पार्ट है, लार्ज में भी तीन पार्ट है. तो मैंने अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू इसको डिस्कस किया था. मैंने वहाँ मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से दिक्कत आ गई. मैंने बोर्ड को इरेज भी कर दिया था, इस वजह से अब दोबारा मैंने लिखने की थोड़ा कोशिश नहीं की और यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ. तो दिस वन, दिस ये फिगर आपको वहाँ पे दिख रहा था, ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है जो ब्लैक कलर से बनी हुई है, दैट इज द सीरोसा. द उसके बाद आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल्स फॉर्म द मस्कुलरिस. तो मस्कुलरिस इज डिवाइडेड इनटू आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर में लॉन्गिट्यूडनल मसल है और इनर में सर्कुलर मसल होती है. उसके बाद ये एक सब म्यूकोसा लेयर है, सब म्यूकोसा लेयर जहाँ जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और ये ल्यूमेन फॉर्म करती है. ठीक है, तो ये सब म्यूकोसा लेयर है जो ल्यूमेन फॉर्म कर रही है और इसी ल्यूमेन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने नेटवर्क बनाया है. तो इसमें आर्टरी और वेन्स की कैपिलरीज होती हैं, नेटवर्क फॉर्म होता है और साथ ही लिम्फेटिक वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो ल्यूमेन में प्रेजेंट होगी. तो ये सब म्यूकोसा लेयर है, दैट इज मेजरली फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यूज. एंड द आउटर में सबसे बाहर की तरफ, मतलब अगर आप ल्यूमेन की बात करें, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की तरफ, तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन को फेस करती हुई जो लेयर होती है वो म्यूकोसा लेयर होती है. म्यूकोसा लेयर में बहुत सारे तरह की सेल्स होती हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल्स मिलती हैं यहाँ पे. तो गॉबलेट सेल्स सीक्रेट म्यूकस. यहाँ पे नीचे जहाँ पे आपका क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्वीन बन रहा है, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्वीन है दो विलाई के बीच में, तो इसको हम लोग विलाई कहते हैं, ये विलाई है. और यहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्शन है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो विलाई, जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड करता है. तो ये अल्टीमेटली ये इस इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है. तो ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्वीन है. क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्वीन में क्या होता है कि यहाँ पे जो अंदर की तरफ ये इन्वर्ट हो जाता है, लेमिना प्रोप्रिया को का फॉर्मेशन करता है. और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्वीन बनने से ही और लेमिना प्रोप्रिया के कोई दबाव के कारण ही सकस इंट्राइकस जूस सिक्रीट होते हैं. क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्वीन में ही यहाँ पे देखिए, काफी दब जाने के बाद ये एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो अल्टीमेटली ब्रूनर्स ग्लैंड
में चेंज होती है. तो ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड दैट इज कंपोज्ड ऑफ म्यूसिन, जिसका मेन फंक्शन ये है कि ये, और एक तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड मेनली ड्यूओडेनम में होती है, जो स्टमक से आने वाले एसिडिक जूस को डिस्ट्रॉय करने के काम में आती है या उसको न्यूट्रलाइज करने के काम में आती है. तो एसिडिक जूस को न्यूट्रलाइज कर देती है ये और ड्यूओडेनम में पाई जाती है. तो ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूसिन सिक्रीट करता है, दैट इज अल्कलाइन फ्लूइड जो गैस्ट्रिक जूस को न्यूट्रलाइज करता है. यहाँ नीचे की तरफ आपको पेनेथ सेल्स भी दिख रही है. पेनेथ सेल्स क्रिप्स ऑफ लोअर कोलन फॉर्म होता है, उसमें नीचे की तरफ बॉटम साइड पे पेनेथ सेल होती है. इट प्रोवाइड इननेट म्यूकोसल डिफेंस, ये इननेट म्यूकोसल डिफेंस प्रोवाइड करता है. तो ये दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है. ये विलाई हमने प्लेस किया हुआ है, दीज आर द माइक्रोविलाई. ये क्रिप्स ऑफ लिवर गोवेन है, यहाँ पे आपका पेनेथ सेल है, यहाँ पे लैक्टियल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होती है, म्यूकोसा होती है, म्यूकोसल लेयर, देन सब म्यूकोसल लेयर, देन मस्कुलरिस. मस्कुलरिस इज मेड अप ऑफ इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड द सीरोसा. तो आइए, गॉबलेट सेल्स इज द म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, पेनेथ सेल रेजाइडिंग बॉटम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. Crips produce antimicrobial peptides like lysozyme and secretory phospholipase A2, PLA2. Peneth cell bottom में reside करती है, small intestine के जो layer होती है उसके bottom पे जो crips of liver cone बनता है वहाँ पे होती है, और ये mostly antimicrobial peptides का formation करती है. Antimicrobial peptides like lysozyme जो कि microbes के cell wall को degrade कर देगी, और साथ ही सिक्रीटरी फास्फोलाइपेस A2 का भी करती है. ब्रूनर्स ग्लैंड जो ग्लैंड फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर राउंडेड बन जाते हैं, दैट इज फाउंड इन ड्यूओडेनम ओनली एंड सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड म्यूसिन. तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड का मेन काम यही है कि ये केवल एल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करे जो कि एक्ट करती है एंटी एसिड की तरह. पेयर्स ऑफ पैचेज स्मॉल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, ये स्मॉल मास ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होती है, दैट इज फाउंड इन द इलियम रीजन एंड इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, साथ साथ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी मॉनिटर करता है कि उनकी उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो फंक्शन है, वो ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस टॉपिक. तो मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, सॉरी कि मेरा से कुछ पता नहीं अनजाने में ही हो गया और मुझे इस मोड में ये प्रेजेंटेशन पूरा करना पड़ा. नेक्स्ट पार्ट है इसका, आइए देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में. तो वो पैनक्रियाटिक जूस हम फिर से उसी मूड में देखें, सॉरी इंटेस्टाइनल जूस के बारे में. तो इंटेस्टाइनल जूस देख लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट भी बचा हुआ है. तो इंटेस्टाइनल जूस के बारे में हम लोग देख रहे हैं. इंटेस्टाइनल जूस में देखिए, अमाउंट इज 1.5 टू 2 लीटर पर डे. पीएच 7.6 टू 8.3 अल्कलाइन पीएच है. कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन बाय द नर्वस सिस्टम एज वेल एज फ्रॉम द हार्मोनल रेगुलेशन. कंपोजिशन वाटर 99% एज इन द गैस्ट्रिक जूस. म्यूकस इनऑर्गेनिक साल्ट. एंजाइम्स इंटरोकाइनेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज एटसेट्रा. फंक्शन, इट इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एंजाइम. गैस्ट्रिक एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है. नीचे अब गैस्ट्रिक नीचे आने के बाद गैस्ट्रिक एंजाइम जो उसके साथ मिक्स होंगे वो काम करना बंद कर देंगे बिकॉज ऑफ द अल्कलाइन नेचर. मेक्स द मीडियम अल्कलाइन, मीडियम को अल्कलाइन करना इसका फंक्शन है इंटेस्टाइनल जूस का, ताकि वहां पे प्रेजेंट एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके. स्टार्च, स्टार्च क्या करेगा, स्टार्च यहाँ पे प्रेजेंट एमाइलेज स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन में. लिमिट माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज है, तो उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की यूनिट में तोड़ेगा. आइसोमाल्टेज इज ब्रेक डाउन बाय द आइसोमाल्टेज एंजाइम ग्लूकोज एंड ग्लूकोज यूनिट में. लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज प्रेजेंट है, लैक्टेज इज द एंजाइम, लैक्टोज इज द मिल्क शुगर. ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, लैक्टोज आइसोमाल्टोज और माल्टोज ये सब क्या है, डाइसेक्राइड है, इनको मोनोसेक्राइड में ब्रेक डाउन कर दिया गया.
Sucrose is broken down into the glucose and fructose. It is also a disaccharide by the sucrase enzyme or invertase enzyme. Poly are oligopeptides that break down by the action of the pepsin in the stomach by the function of eruption. It may change into the amino acid. Lipid molecule break down ho jayega fatty acid or glycerol mein by the action of lipase ya monoglyceride. So this is all about the intestinal juice.